ताजनगरी आगरा में NHAI कर्मचारी रोड पर काम कर रहे किसानों ने काम बंद कर उनसे गाली गलौज और हाथापाई कर दी। आपको बता दें, ये किसानों का झगड़ा पहली बार नहीं हुआ, 11 महीने में पांचवी बार ये घटना घटित हुई है। परेशान कर्मचारी 4 बार काम छोड़कर भाग चुके हैं। परेशान कर्मचारियों ने थाना मलपुरा पुलिस की शरण ली है। आगरा इनर रोड रिंग के अधूरे काम को किसान व हकीमपुरा व सलीमाबाद के किसान पूरा नहीं होने दे रहे हैं। लगातार किसानों के द्वारा तीव्र गति से चल रहे काम की राह में रोड़ा बनकर सामने आ रहे हैं। बीते 2 दिन पूर्व भी हकीमपुरा सलीमाबाद के ग्रामीणों ने विभाग के कर्मचारी व पिलर पर काम कर रहे कर्मचारियों से मारपीट व जान से मारने की धमकी दी। एक और ग्रामीणों का कहना है कि उनके मानक के हिसाब से विभाग के अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं, जबकि अधिकारियों का कहना है कि जो भी सरकार के द्वारा कर दिया गया है वह इस क्रम में काम कर रहे हैं। ग्रामीणों की लगभग सभी मांगे मान ली गई हैं, लेकिन अब ग्रामीण फालतू की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन और अभद्रता कर रहे हैं। आपको बता दें, 18 महीने में NHAI का कार्य पूरा करना था, जिसे अभी लगभग 11 महीने बाद भी विभाग अपने दृश्य में नहीं ला सकी है, जिसकी असल वजह है कि 11 महीने में किसानों ने करीब 4-5 बार NHAI का कार्य रुकवा दिया है। अब तक 4 बार कर्मचारी रोड का कार्य छोड़कर पलायन कर चुके हैं, जिसे लेकर अधिकारी चिंतित दिखे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी साझा की। अधिकारियों का कहना है कि जिलाधिकारी आगरा के साथ साथ तहसीलदार, नायब तहसीलदार आदि सभी आला अधिकारियों को मामले से अवगत करा दिया गया है। सर, किसान इसी तरह उपद्रव करते रहेंगे, कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहेंगे, तो ये पॉसिबल है ही नहीं कि हम लोग समय से कार्य पूरा करके दे दें। किस प्रकार की बाधा उत्पन्न की जाए? बाधा उत्पन्न ये करें, अनऑथराइज्ड मांग डिमांड कर रहे हैं, जो पॉसिबल जो अपने NHAI के अप्रूवल में ही नहीं है ड्राइंग, वो मनवाना चाह रहे हैं। कहीं हाइट बढ़वाने की कोशिश कर रहे हैं जो ड्राइंग में ही नहीं है। अभी 2+964 पे एक अलग से बॉक्स डिमांड कर रहे हैं जो अपने प्रपोजल में है ही नहीं, फिर भी हम लोग उनको देने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जैसा कि हो जाए, जिससे किसान भी खुश हो जाए और काम भी निकल जाए अपना। बार बार किसान लोग आते हैं और काम को रुकवा देते हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पे एक बॉक्स कलवट बनाया जाए 2900 पे, जो कि उनकी डिमांड मैंने मान भी ली है, और उनके बार बार प्रयोग करने के बाद उनको मैंने वहाँ पे अपने इंजीनियरों को बोल भी दिया है, तो आज आके सारे लोग बॉक्स कलवर्ट को बनाए। और हमारे पास लिखित में भी प्रूफ है, उन्होंने लिख के भी दिया है हमको कि यहाँ पे एक्सर्वेशन वगैरह मैंने करा भी दिया है, और उनको बार बार रोकने के बाद ये 5वें बार घटना है कि जो उन्होंने हमारी साइट पर काम बंद कराया। आपके कर्मचारियों से भी मारपीट की? हाँ, कर्मचारियों ने बताया, साइट पर काम कर रहे थे, उन्होंने बताया कि उनके साथ मारपीट भी हुई है और हाथापाई हुई। मारपीट किसने की? मारपीट एक तोमर जी करके हैं, उन्होंने किसी के भेजा है, रघुवीर जी हैं। 3-4 दिन से अब हमारे काम में बाधा ही डाल रहे हैं। जो भी सहमति बनी थी दोनों के बीच में, दोनों पार्टियों को बुला के यहाँ समझौता हो गया था तहसीलदार के सामने, लेकिन फिर उसमें भी अपनी बात पर अटल नहीं है। वो जहाँ वो चाहते थे वहाँ हमारा एक्सर्वेशन भी कम्प्लीट हो चुका है, और शिव कुमार प्रधान जी हैं सलीमाबाद, उनको मौके पर चेक भी करवा दिया कल हमने। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा देहात से कन्हैया लाल दुबे की रिपोर्ट।